सो गाइस, इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाई जाने वाली काफी सारी न्यू पोकेबॉल्स, जैसे कि रॉकेट बॉल जिसे तुम पुकिन के ऊपर फेंक के मार सकते हो, और तुम्हें पैडल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यार तुम पहले से ही मतलब उस पर रॉकेट फेंक के मार रहे हो और उसे बैटल भी करोगे, बेचारे पे दया करोगे थोड़ी सी। और दूसरी बॉल है बुमरैंग बॉल, जिसे तुम पुकिन के साथ साथ खुद का मुंह भी तोड़ सकते हो। और गाइस, आखिर में आती है एक डायमंड बॉल, जिसका डिजाइन काफी यार कूल होता है और वो काफी ब्यूटीफुल पोकेबॉल होती है। तुम देखो सर, इसका डिजाइन कितना बढ़िया है और ये कितनी ब्यूटीफुल है। सच में गाइस, ये अब तक की सबसे बेस्ट पोकेबॉल मुझे लगी है। सो गाइस, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जो अपना रॉय है उसके पीछे एक ग्लैडियन वीजिंग पड़ जाता है, और वो मतलब काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। पता नहीं गाइस अब कैसे मतलब रॉय बचेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इसे गिरा गिरा के मारना वीजिंग, मजा ही आ जाएंगे यार। रॉय को पीटते हुए कौन नहीं देखना चाहता, मैं तो देखना चाहता हूँ कब से। और गाइस, हमें दिखाया जाने वाला है एक भूत, और ये भूत है कि कुछ और है पता नहीं गाइस, वो तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। और सबसे शॉकिंग बात तो इस एपिसोड में ये होने वाली है कि जो अपनी ओरी होती है वो क्रू छोड़ने वाली है, और ये ऐसा क्यों है गाइस वो तो तुम्हें एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना रॉय दिखाया जाता है, जिसने मतलब दीवार में छेद कर दिया होता है, और जो सभी क्रू मेंबर होते हैं ना, उनको मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और वो अपने ओरियो से हेल्प मांगते हैं। ओरियो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम सबको मेरी मदद चाहिए। सच में गाइस, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है इन सबसे। तभी गाइस हमें एक अजीब सी चीज दिखाई जाती है, मतलब कुछ फैक्ट्री वगैरह जैसा कुछ होता है, और गाइस वो होती है पोकेबॉल फैक्ट्री, मैं पहले ही बता देता हूँ। सो गाइस, इस एपिसोड का नाम होता है ओरियो एंड द मॉन्स्टर बॉल आर्टिसन। अपनी जो ओरियो रॉय और मिस्टर फ्रीड होते हैं ना, वो मतलब उस जगह पे जाते हैं, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक भूत, जो भूत नहीं होती गाइस, वो एक लड़की होती है। उसके बाद वो लड़की उन सबको अंदर बुलाती है, और वो मतलब कुछ ढूंढने लगती है अपने कबाड़ में, और सच में कितना सामान बिखरा हुआ है, थोड़ा संभाल कर रखना चाहिए ना। सो गाइस, वो चाय की केतली ढूंढ रही होती है, और तभी गाइस वो मतलब वो सारा सामान होता है उसके ऊपर गिर जाता है सच में मतलब। और तभी वो बाहर आती है और कहती है आई एम जस्ट फाइन। उसके जो अपनी लीक होती है उसे एक हिस्सुइन बुकिन मिल जाती है, लेकिन गाइस ये रियल वाली नहीं है। सो गाइस, ये जो लड़की है ना, इसने रिक्रिएट की है अपनी हिस्सुइन पोकेबॉल को, सच में गाइस काफी कमाल की है। सो गाइस, उसके बाद वो अपना नाम बताती है, और उसका नाम होता है काना। सो गाइस, मतलब कुछ ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं ऐसे। उसके जो अपने मिस्टर फ्रीड होता है अपने रॉय से कहते हैं, रॉय तुम्हें कुछ पूछना नहीं था। उसका जो अपना रॉय होता है वो अपनी एंशिएंट बॉल निकाल देता है, और वो काना से पूछने लगता है कि ये रही पोकेबॉल, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसके आप क्या आपको पता है इसके बारे में। तो वो मतलब काना जो होती है ना, उस पोकेबॉल को ऐसे देखने लगती है कि मतलब वो सब कुछ खाना, वो ऐसे देखने लगती है कि उसे कुछ खजाना मिल गया उसके हाथों में, और वो उसकी ढेर सारी फोटोज लेने लगती है। उसका जो रॉय होता है वो काना से पूछता है कि क्या आपको पता चला इसके बारे में कुछ, तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला। और उसके जो काना होती है ना, वो दिखाती है कि उसके पास कितनी सारी पोकेबॉल्स है, और ये सारी पोकेबॉल है ना उसने खुद बनाई है, सच में कितनी सारी पोकेबॉल है और कितनी बढ़िया भी लग रही है। उसका जो अपना रॉय होता है वो कहता है, मिस्टर काना क्या मैं मतलब इन पोकेबॉल का यूज कर सकता हूँ, मुझे इनको टेस्ट करना है, और इससे मेरी पोकेबॉल थ्रो करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसका जो अपना गो होता है वो पूरा बॉक्स लेकर निकल जाता है, और फिर उन लोगों को कुछ आवाज आती है। तो जो अपनी काना होती है ना, वो बता दे कि मैंने एक पोकेबॉल बनाने वाली मशीन ली थी लेकिन वो काम नहीं कर रही है। तो जो अपनी ओरी होती है ना, उसके अंदर का मैकेनिक जाग जाता है, और वो मतलब उस मशीन को ठीक करने लगती है, और वो उसे ठीक भी कर लेती है, और वो कहती है कि इसे अब ऑन करो। तो जो काना होती है उस मशीन को ऑन करती है, और गाइस उसमें से एक पोकेबॉल निकलती है। सच में गाइस कितनी बढ़िया मशीन है, और यही वाला वो पोकेबॉल है जो मतलब उसने बनाई थी। उसके जो अपनी ओरी होते हैं वो कहते हैं, तुम इस तरह से किसी भी मशीन को बेकार नहीं कह सकते, बस तुम्हें उसे थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी केयर देनी होती है। सो गाइस, उसके बाद फिर हमें अपना रॉय दिखाया जाता है जो पोकेबॉल फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी जो अपना रॉय होता है वो एक पोकेबॉल लेता है और उसे फेंकता है। सो गाइस, वो जो पोकेबॉल होती है वो होती है रॉकेट बॉल, और उसमें गाइस बूस्टर लगे होते हैं। सच में गाइस, कितनी बढ़िया पोकेबॉल है वो, मतलब एकदम स्ट्रेट जा सकती है काफी दूर तक। और फिर जो अगली पोकेबॉल होती है वो होती है बुमरैंग बॉल, और वो जो बुमरैंग बॉल होती है ना वो सीधा रॉय के मुंह पे जाके लगती है, जो काफी बढ़िया हुआ गाइस, सच में ऐसा ही होना चाहिए इस लड़के के साथ। उसका जो रॉय होता है वो अगली पोकेबॉल फेंकने लगता है, लेकिन गाइस वो जो पोकेबॉल होती है ना वो उसके हाथ में ही फट जाती है सच में गाइस, मतलब वो धमाकेदार पोकेबॉल थी एकदम बढ़िया, सच में ऐसे ही होना चाहिए इस लड़के के साथ, और कर प्रैक्टिस नहीं तो। और मुझे एक बात बता रॉय, ये मतलब तुझे पहले नहीं पढ़ सकता था, तो अब पढ़ रहा है गाइस, पहले पढ़ना चाहिए ना, सच में मतलब बेवकूफ है। उसके बाद हमें अपनी लीकू दिखाई जाती है, जो मतलब एक बढ़िया से पोज मार रही होती है, सच में मतलब काफी ज्यादा स्टाइल मार रही है। फिर गाइस हमें दिखाई जाती है अपनी ओरियो, और वो लड़की का कहना काना काना दिखाई जाती है, और वो अपनी मैगवी से मतलब उस मशीन में आग का काम करवा रही होती है, मतलब आग फूकवा रही होती है। उससे गाइस वो मशीन चल रही होती है, और वो काफी सारी ब्यूटीफुल सी पोकेबॉल भी बनाती है, मतलब मॉन्स्टर बॉल। उसके जो अपनी काना होती है वो ओरियो से बोलती है, ओरियो तुम यही क्यों नहीं रुक जाते, हम साथ में काम करेंगे। और तभी गाइस वहाँ पर अपनी लीको भी आ जाती है, और वो काना कहती है, मुझे पूरा यकीन है हम साथ में कुछ अमेजिंग सा बनाएंगे, जैसे कि एक फ्लाइंग पोकेबॉल। और जो अपनी लीको थी वो डर जाती है, और वो कहती है कहीं ओरियो क्रू तो नहीं छोड़ देगी। सो गाइस, उसके बाद फिर हमें अपना रॉय दिखाया जाता है, जो मतलब एक नई पोकेबॉल ट्राई करने वाला होता है, जो होती है चेज बॉल। ये जो पोकेबॉल होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है, ये पोकेबॉल को मतलब खुद ब खुद मतलब पकड़ सकती है गाइस, तुम बस पोकेबॉल को फेंक दो और उसमें टायर लगे हैं तो ये पोकेबॉल को खुद ढूंढती है और उसे पकड़ लेती है। कितनी कमाल की पोकेबॉल है यार, ऐसी पोकेबॉल गेम्स में होनी चाहिए यार, क्यों नहीं है। पोकेबॉल कंपनी वालों ने ये पोकेबॉल पहले क्यों नहीं बनाई, मतलब सच में होनी चाहिए यार एक पोकेबॉल गेम में, कितनी बढ़िया पोकेबॉल है, खुद ब खुद पोकेबॉल पकड़ लेंगे हम तो, मतलब फिर जरूरत ही नहीं है पोकेबॉल को ढूंढने की।
सो गाइस वो जो पुकल होती है वो वाला एक ग्लारियन वेजिंग को जाके टकरा जाती है और उसको मतलब चोट लग जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वो रॉय के पीछे दौड़ने लगता है और रॉय मतलब बहुत ही बुरी तरह से भागने लगता है। तभी गाइस हमें अपनी लीको दिखाई जाती है जो मतलब अपनी ओरियो से बात कर रही होती है और वो पूछ रही होती है कि आपने मिस्टर फ्रीड के साथ सफर करना क्यों स्टार्ट किया। उसका जो अपनी ओरियो होती है वो अपनी बैक स्टोरी सुनाती है और वो कहती है कि उसके पास एक स्ट्रेस फ्री जॉब थी और फिर भी गाइस वो मतलब खुश नहीं थी। वो खुद से सवाल पूछती है कि क्या यही वो चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से, और वो मतलब काफ़ी सारे मतलब खुद से सवाल पूछती है। और उसके बाद वो मिस्टर फ्रीड जो होते हैं ना वो उससे कांटेक्ट करते हैं। मिस्टर फ्रीड ओरियो से कहते हैं ओरियो मेरे लिए एक फ्लाइंग शिप बना दो, और जो मिस्टर फ्रीड होते हैं ना वो मतलब कुछ मतलब कहते हैं मतलब यू कैन डू इट ऐसा कुछ कहते हैं। उसके जो ओरियो होते हैं ना वो मान जाती है और वो कहती है कि मिस्टर फ्रीड के जो शब्द थे उनके शब्दों की वजह से मुझमें एक जोश आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे वो फ्लाइंग शिप बनाऊंगी लेकिन मैंने वो बना दी। यही वो चीज़ थी जो मैं सच में करना चाहती थी। उसके बाद फिर हमें अपना रॉय दिखाया जाता है जो मतलब उस वेजिंग से भाग रहा होता है। रॉय का चेहरा था देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब इसके तोते उड़ गए हो। उसके बाद जो ग्लारिंग वेजिंग होता है वो अपनी तोप निकाल देता है और वो फ्यूको पे चला देता है जिसमें फ्यूको की हालत खराब हो गई और रॉय मतलब वहाँ से भागने लगता है काफ़ी मुश्किल से। तभी जो अपनी स्पीड होती है वो उस पर मतलब लीवियस का यूज़ करती है, लेकिन जो ग्लारिंग वेजिंग होता है वो भी मतलब उस पर हमला करता है अपने स्पीड टूटो पे। उसके जो अपनी ओरी होती है वो अपने मेटा ग्लव्स को निकालती है और वो उस पर हमला करने को बोलती है। सच में गाइस वो जो ग्लारिंग वेजिंग होता है ना वो बार बार उस पर हमला करा होता है लेकिन गाइस उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि गाइस उस पर पॉइजन टाइप मूव कोई भी असर नहीं करने वाले। तो अपने जो वेजिंग होता है ना वो किसी और मूव का यूज करता है लेकिन गाइस जो अपने मेटा ग्लव्स होता है उससे रैपिड स्पिन की मदद से बच जाता है। और फिर उसके बाद जो अपनी ओरी होती है ना उस पर मेटल क्लो का यूज करने को बोलती है और वो मेटल क्लो की मदद से उसे हरा तो देती है लेकिन गाइस वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली लेके आ जाता है। और तभी गाइस वहां पर मतलब अपना कैप्टन पिकाचू आता है और वो थंडर का यूज कर देता है। एक ही मूव में गाइस उन सब की हालत खराब हो जाती है। सच में गाइस हर बार की तरह इस बार भी पिकाचू ने एकदम कमाल की एंट्री मारी है। लोग पिकाचू की एंट्री मतलब एकदम एपिक है, पता नहीं गाइस हर बार ऐसे एपिक एंट्री कैसे मार लेता है पिकाचू। लेकिन गाइस वो काफी सारे होते हैं तो अपना कैप्टन पिकाचू उन सबसे एक साथ नहीं लड़ सकता। तो अपने जो मिस्टर फ्रीड होते हैं उनके पास एक आइडिया होता है, वो कहते हैं कि जो मशीनरी है ना उनका मतलब बूस्ट कर दो। मशीनरी जो होती है ना उनको बूस्ट करने को बोलते हैं और वो कहते हैं कि यू कैन डू इट, मतलब पिछली बार की तरह यू कैन डू इट बोलते हैं जिससे मतलब उसकी फिर से मतलब फायर जाग जाती है अंदर की और वो मतलब लगती है। ये वो मिस्टर फ्रीड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई तो प्लान होगा। उसका जो ओरियो और पुकिन होते हैं ना जोरों शोरों से काम करने लगते हैं वो लोग। उसके बाद उस फैक्ट्री में से काफी सारा धुआं निकलने लगता है तो सारे के सारे जो गैलरी वेजिंग होते हैं ना वो वहां पर जाते हैं और वो उसे खाने लगते हैं। एनवायरमेंट को कहीं से साफ रखते हैं कितने अच्छे हैं ना, मतलब सच में ऐसे तो होने चाहिए ना यहाँ पर भी अपनी दुनिया में भी, यहाँ पर कितना पोल्यूशन है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर हमारी जो ओरियो और जो अपनी काना होते हैं वो आपस में बात करते हैं और ओरियो जो होती है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती मुझे माफ करना, और जो अपनी काना होती है वो कहती है कोई बात नहीं होता रहता है और वो उसे एक पोकेबॉल देती है। उसके बाद वो सभी मतलब एक बार फिर से मतलब अपने एयरशिप में आ जाते हैं, मतलब सॉरी शिप में आ जाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अपनी जो ओरियो होती है वो बताती है कि उसे क्या करना है, उसे मतलब कुछ ऐसी चीजें करनी है जो उसने कभी नहीं की लाइफ में, और वो लीको से बात ही कर रही होती है। तभी जो सारे क्रू मेंबर्स होते हैं ना वो मतलब अपनी ओरियो को मतलब अपनी कंप्लेंट करने लगते हैं कि मतलब ये सब चीजें काम नहीं कर रही, ये खराब हो गया वो खराब हो गया, और वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गई कि तुम सबको मेरी मदद चाहिए। उसके बाद जो ये एपिसोड है ना वो इस प्यारी सी पोकेबॉल के साथ खत्म हो जाता है। सो गाइस अब बारी है अगले एपिसोड की प्रीव्यू की। सो गाइस इस एपिसोड में हमें दिखाए जाने वाले कुछ नए पोकेमॉन। एक तो गाइस घोस्ट टाइप पोकेमॉन होने वाला है, ये मतलब लालटेन मतलब क्या कहते हैं कैटली ये सब पोकेमॉन, आई डोंट नो गाइस इसका नाम मुझे नहीं पता, पर तुम लोगों को अगर पता हो ना इसका नाम तो मुझे कमेंट में बता देना। सो गाइस इस एपिसोड में हमें एक और पोकेमॉन दिखाया जाने वाला है जो होता है मतलब कछुए जैसा कुछ पोकेमॉन, इसका नाम भी मुझे नहीं पता। और गाइस हमें दिखाया जाने वाला है काफी कमाल का सीन, जो अपनी स्पीड उड़ा है ना वो मतलब कोयतली को डराने की कोशिश कर रही है जो काफी ज्यादा फनी होने वाला है। मतलब मुझे तो देखना है गाइस ये सीन, तो मुझे पक्का देखना है आखिर इसमें होने का वाला है। गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि जो स्पीड उड़ा है वो क्या कह रहा होगा अपने कोयतली से, मतलब ऐसा क्या कह रहा होगा कि वो इतना पसीना छूट रहे हैं उसके। और गाइस तुम यहाँ पर अलोरा मक भी देख सकते हो और मतलब सच में गाइस काफी कमाल का एपिसोड होने वाला है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।